त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो मतगणना है वो 2 मई को होगी। सरकार की गाइडलाइंस है कि जो भी मतगणना में जाएंगे, चाहे ग्राम प्रधान पद या किसी पद के प्रत्याशी हों या उनके एजेंट हों, उनकी कोरोना जांच होगी, जो 72 घंटे पूर्व की रिपोर्ट चाहिए उनको। हालत ये है कि आज हम जब सिसवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचे तो जांच नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, हम यहाँ मिलने आए हैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से, ये बात करेंगे कि आखिर क्या सुविधा दे रहे हैं ये प्रत्याशियों के लिए, चूँकि वहाँ जांच नहीं हो रही है। सबसे पहले स्वागत है, आखिर क्या मामला है कि आज जाँच नहीं हो रही, फिर प्रत्याशी कैसे जाएंगे वहाँ? सबसे पहले मैं असलम जी आपका मैं स्वागत करता हूँ। समय समय पर आप हम लोगों से मिलते रहते हैं और हमारे मैसेज को और पब्लिक की प्रतिक्रिया को हमसे शेयर भी करते रहते हैं। अब रही बात जो जांचें हैं, जो आरटीपीसीआर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी वो हम लोगों ने कल तक किया है। कल हमारे वहाँ लगभग 2000 की भीड़ थी और हमने सीएससी पे 600 लगभग जांचें की हैं, जिनमें लगभग प्रत्याशियों का हमने जांच कर लिया है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ प्रत्याशी जो है जाँच से वंचित रह गए हैं। आज भी काफ़ी भीड़ लगी थी क्योंकि किट हमारे पास कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, है हमारे पास किट, लेकिन अगर उन प्रत्याशियों का अगर हम आज करते हैं तो जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 3 से 4 दिन लगते हैं, संभावित समय है, उसमें एक दिन पहले एक दिन बाद भी हो सकता है, तो वो जहाँ तक लग रहा है जो काउंटिंग का डेज है उसके बाद आने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं यह हमारा जाँच करना विफल हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने एक रणनीति तय की है कि इनका क्यों ना एक एंटीजन कर दिया जाए जो कि आधे घंटे के अंदर हमको रिपोर्ट मिल जाती है, और जिससे हम जो कोरोना संक्रमित हैं प्रत्याशी हैं या जो उनके जो है समर्थक हैं उनको हम आसानी से कोरोना और नॉन कोरोना में छटनी कर सकते हैं। तो हमने यह प्रयास किया है और हमने एक टीम बनाई है, 2 टीमें बनाई हैं जिसमें हमारे 2 LT रहेंगे, उनके सहयोगी रहेंगे, नामांकन करने का होगा मतगणना इसकी, इसका डिस्कशन हमने BDO साहब से भी किया है, थाने SO साहब से भी बात कर ली है, उसकी पूरी टीम तैयार हो गई है। हम उन प्रत्याशियों का एंटीजन करेंगे और वहीं पे उनकी रिपोर्ट बता देंगे, वहीं उनको सर्टिफिकेट हम दे देंगे कि उसमें कौन से लोग निगेटिव हैं कौन से पॉजिटिव हैं, जिससे जो पॉजिटिव वाले हैं उनको हम वहीं से घर भेज देंगे, जो निगेटिव वाले हैं वो अपने यथासंभव जो उनका कार्य है वो करते रहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हम जो है कोरोना पे एक पूरी तरीके से रोक लगा पाएंगे और आगे संक्रमण को रोक पाएंगे। अभी डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई, आपने सुना भी, इनका कहना था कि जिस दिन मतगणना होगी उस दिन 2 टेबल लगेंगी और जिनकी जांच नहीं हुई है वही जांच होगी कोरोना की और वही रिपोर्ट मिल जाएगा, जो निगेटिव होंगे उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा और जो पॉजिटिव होंगे उन्हें होम क्वारंटीन के लिए घर वापस कर दिया जाएगा। आप देखते रहिए यूपी, अब तक यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।